बताएंगे तो हमारे सही उम्र के आएंगे, हमारे घर वाले बताएंगे हमने उम्र खदीजा अगर लिया है तो बाहर वालों से नहीं लिया, घर वालों से लिया है। हमने सीरत अगर ली है तो बाहर वालों से नहीं ली, 250 साल 300 साल बाद आने वालों से हमने सीरत नहीं ली है, हमने घर के अफराद से लिया है। तो वो बयान करते हैं कि पैगंबर इस्लाम की विरासत से 3 साल कब जनाबे खदीजा की विरासत हुई। अब बहरहाल हमें यहां पे यही एक जुमला कहकर मैं आगे बढ़ जाता हूं कि देखिए उम्र क्या थी, इस पे ज्यादा बहस ना की जाए, इसलिए कि इस्लाम उम्र का कायल नहीं है, किरदार का कायल है। जितना वक्त आप उम्र बताने उम्र खदीजा बताने में सर्च कर रहे हैं उतना वक्त आप किरदार खदीजा बताने में सर्च करिए, फजाइल खदीजा बताने में सर्च कीजिए। ये उम्र क्या हाँ, लेकिन जो बात है हकीकत है कि उम्र 28 साल से ज्यादा नहीं थी, और इंशाल्लाह मैं अगली दलील भी दूंगा और नकली दलील भी दूंगा कल की मजलिस में। तो जनाबे खदीजा क्यों 28 साल? अच्छा, शादी के वक्त 28 साल थी। आप हजरात माशाल्लाह बुजुर्गान बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, सब माशाल्लाह तारीख के पढ़ने वाले और जानने वाले मौजूद हैं। उस जमाने में 28 साल की उम्र भी बहुत ज्यादा होती थी, 12 साल 14 साल 15 साल की उम्र में लड़कियों की शादियां हो जाती थी। अब सवाल यह है कि जनाबे खदीजा ने 28 साल तक शादी क्यों नहीं की? सवाल है ना, जिस माहौल में, जिस अरब में, अरब के जिस माहौल में लड़कियां 12, 14, 15 हद से 16 साल तक ब्याह दी जाती थी, उस माहौल में जनाबे खदीजा ने 28 साल तक किस लिए इंतजार किया? तो भाई मैंने पहले की बरकत की मजलिस में अर्ज कर चुका हूं कि जनाबे खदीजा आलमाए तौरात तो इंजील थी, इन्होंने तौरात तो इंजील के हर कागज पे हर वरक पे यह पढ़ रखा था कि आखिर में एक नबी आएगा, आखिर में एक नबी आएगा। जब से जनाबे खदीजा ने तौरात तो इंजील में आखिरी नबी का जिक्र पाकी पढ़ लिया था, उसी वक्त से जनाबे खदीजा ने यह फैसला कर लिया था कि अपने किस्मत का फैसला उसी आखिरी पैगंबर मोहम्मद के हाथों में रखेंगे। आप तो बेहतर जानते हैं ना कि अरब से बड़े रिश्ते आए, बड़े बड़े घर के रिश्ते आए, लेकिन जनाबे खदीजा ने सारे रिश्तों को नहीं की कैंचियों से काट दी गई। नहीं 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 भाई, मुनासिब रिश्ते आ रहे थे, सब मालदार थे, पैसे वाले थे, सिरवतमंद थे, दौलतमंद थे, हाँ कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, इन्होंने पढ़ रखा था तो मैं तो इंजील में कि भाई आखिर में एक नबी आएगा, उसी दिन से फैसला कर लिया था। और जनाबे खदीजा ने ऐसा नहीं है कि पैगंबर इस्लाम के हुजूर जमान को देखा हो और उसके बाद से शादी का फैसला किया हो, नहीं, ये खदीजा है, जुलैखा नहीं है। नाम को पढ़ा, आखिरी जमाने में जो पैगंबर आएगा। और अब जो मैं रवायत आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूं, तारीख तबरी ने इसको लिखा और अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमान ने भी बिहार अनुवाद में लिखा है। मैंने अर्ज किया कि जनाबे खदीजा के का महल यूनिवर्सिटी थी, क्लासे लगती थी, क्लास का वक्त था। अब जैसे क्लास के टाइम 10 मिनट 15-20 मिनट का वक्फा होता है, यही वक्फे का वक्त था। जनाबे खदीजा अपने बाला खाने में बैठी हुई थी और जनाबे खदीजा की इस यूनिवर्सिटी में एक यहूदी आलिम आ रहा था दर्श देने के लिए। तो वो यहूदी आलिम जो है जनाबे खदीजा से खड़ा होकर बातें कर रहा था कि इतने में देखा कि एक नौजवान नीचे से गुजर रहा है। जब उस आलिम की नजर पैगंबर इस्लाम में पड़ी ना, तो इसने जनाबे खदीजा से कहा कि बीबी वो जो जा रहा है ना नौजवान का, उसको बुलवाइए। आप सुनिए जनाबे खदीजा की अजमत और फजीलत क्या है, जनाबे खदीजा किस अजीम खातून का नाम है, किस अजीम बीबी का नाम है। उसने कहा कि बीबी वो जो नौजवान जा रहा है ना, जरा उसको बुलवाइए यहां पे। जनाबे खदीजा ने अपने गुलाम मैसरा को भेजा कि जाओ मोहम्मद को बुला के ला। मैसरा गया, बुला के लाया, पैगंबर इस्लाम आए। यहूदी वो कहता है आलिम कि जरा आप अपने शाने से कमीज हटाएंगे। पैगंबर ने जब कमीज हटाई उसने मोहर नबूवत को देखा और उसके बाद से नबी से कुछ नहीं।
तारीख मैं पढ़ रहा हूँ, कोई अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं हवाला भी मैं दे चुका हूँ और पांच किताबों के हवाले दिए और पांच किताबों का मैटर रही है, ये पूरी तफसील किसी एक किताब में नहीं मिलेगी मेरे अजीजों। तो उसने कहा पैगंबर से कुछ नहीं कहा, जनाब खदीजा की तरफ मुतवज्जे हुआ और मुतवज्जे होकर कहता है बीबी मैंने तौरात और इंजील में पढ़ा है कि आखिर में जो नबी आएगा उसकी क्या क्या अलामतें हैं। जनाब खदीजा ने पूछा क्या अलामतें हैं, जानती थी लेकिन पूछ लिया कि क्या अलामतें हैं, तो वो आलिम कहता है बीबी मैंने पढ़ा है कि जो आखिर में नबी आएगा उसके वालदैन बचपने में इंतकाल कर जाएंगे, उसकी परवरिश उसका दादा करेगा, फिर दादा का इंतकाल होगा तो उसकी परवरिश उसके चचा करेंगे और उसकी शादी अरब की सबसे अमीर तरीन शहजादी से होगी, अरब की सबसे अमीर खातून से उसकी शादी होगी। उसने ये जुमले जनाब खदीजा से कहे और कहने के बाद एक जुमला कहा बीबी होशियार रहिएगा, ये फजीलत अपने हाथों से जाने मत दीजिएगा। अल्लाहु अकबर, क्या सुन रहे हैं? उसने कहा बीबी ये फजीलत अपने हाथों से जाने मत दीजिएगा, नहीं और किया आपने। सुनिए उसने दो बातें कही, उसने दो जुमले कहे, उसकी परवरिश उसका चचा करेगा, उसकी शादी अरब की सबसे अमीर खातून से होगी। इसका मतलब यह है कि अगर जनाब अबू तालिब ने पैगंबर इस्लाम को पाला तो यह इत्तेफाकी वाकया नहीं है बल्कि मशीयत और मर्जी परवरदिगार है। वाह 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 वाह। मैंने पढ़ा है, मैं समझ गया हूं ये कोई मामूली इंसान नहीं है। और उसके बाद से आगे का मरहला क्या है, परसों की मजलिस में जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था, पैगंबर इस्लाम क्यों 24 साल पहला काफिला लेकर के शाम गए। आपने सुना होगा कि जनाब खदीजा का काफिला कितना बड़ा था, जब पहला ऊंट यमन में दाखिल होता था तो सबसे आखिरी ऊंट जो होता था वो मक्के में होता था, इतना बड़ा काफिला। जब साल भर के बाद दूसरे साल का ये वाक्य आए, जब पैगंबर इस्लाम की उम्र 25 साल की हुई और इसी साल शादी भी होनी है, इंशाल्लाह मैं सारी बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा। आज ये रिवायत पढ़ देता हूं और कल इंशाल्लाह किस तरह से रिश्ता हुआ है, कौन रिश्ता लेकर के किया, वो सारी बातें इंशाल्लाह मैं कल अर्ज करूंगा। बस ये आखिर में ये रिवायत ये वाक्य आपकी खिदमत में अर्ज कर दो, फिर जाते मसाले। जब पैगंबर इस्लाम का सिने मुबारक 25 साल हुआ, जनाब खदीजा का काफिला तैयार है जाने लगा, ये काफिला शाम पहुंचा, जब वापस आया, मैंने बीच के सारे जुमलों को छोड़ दिया, जब वापस आया है तो एक मरतबा जब पैगंबर इस्लाम जनाब खदीजा के सामने आए और हिसाबों किताब देने लगे तो मैसरा भी खड़ा था, और ये मैसरा जनाब खदीजा का गुलाम तो था लेकिन जासूस भी था, इसलिए कि घर के अंदर बैठकर एक बीवी इतनी बड़ी तजारत कर रही है, सारी खबरें मैसरा को लाके देना है कि कहां पे क्या हुआ सब कुछ। जनाब खदीजा ने देखा कि मैसरा चुपचाप खड़ा हुआ है, जनाब खदीजा समझ गई पैगंबर इस्लाम जब चले गए तो इन्होंने सवाल किया, मैसरा ये बताओ कि कुछ कहना चाहते हो? मैसरा कहता है कि हाँ बीबी हम बहुत परेशान है। कहा हुआ क्या? कहा कि देखिए अब यहां से जुमला सुनिएगा। मैसरा कहता है कि बीबी मेरी ये समझ में नहीं आता कि ये जो इंसान है पैगंबर इस्लाम की तरफ इशारा करके, ये फरिश्ता है या कोई और मखलूक है, ये इंसान है फरिश्ता है या कोई और मखलूक, का हुआ क्या? कहा कि बीबी हम मक्के से निकले शाम पहुंचे, जब हम पहुंच रहे थे तो हम अपने कदम को जब रेत पे रख रहे थे मिट्टी पे तो हमारे कदमों के निशान बन रहे थे, इनके कदमों के निशान नहीं बन रहे थे। बीबी हम पहाड़ों पर भी गए, पत्थरों पर हमारे कदमों के निशान नहीं बने, लेकिन पत्थरों पर इनके कदमों के निशान बन रहे थे।
जबान की थी, अरबी तो आपकी फसीलो जबान है, फसीलो वजीर जबान है, अरबी भी ना समझ पाए। तो अब जो अपनी बोलने वाली जबान ना समझ सके वो अल्लाह की जबान क्या समझेगा। सलवात पर जबान सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम जब मिट्टियों पे चल रहे थे हमारे कदमों के निशान बन रहे थे, इनके कदमों के निशान नहीं बन रहे थे। फिर जब हम पहाड़ों पे गए पत्थरों पे चले तो हमारे कदमों के निशान पत्थरों पे नहीं बन रहे थे, इनके कदमों के निशान बन रहे थे। कहा और कहा बीबी मैं ये देख रहा था, चल एक जुमला और से पहले मैं सलाह नहीं पाया। बीबी देखिए हमने देखा तो पहले भी था, जो साल भर पहले था जब पैगंबर इस्लाम की 24 साल की थी, जो पहला काफिला लेके गए थे उस वक्त भी मैसरा कहता है मैंने देखा था, लेकिन उस वक्त हम इतना अलग नहीं थे, हमने देखा। लेकिन इस बार तो हम मक्के से निकले तो मेरी पूरी नजर, मैं हमदान पैगंबर का मुतवज्जे था, मेरी पूरी नजर मोहम्मद की जात पे थी। हम सब कुछ देखते हुए जा रहे थे। बीबी मैंने देखा कि ये जब ये जवान चल रहा था ना तो बादल का सा टुकड़ा इसके सर पे साया किया हुआ था, ये खड़ा हुआ बादल भी इसके सर पे रुक गया। अब मैं जरा कहता कि मैं आजमाने के लिए मैं इनके बगल में जाके खड़ा हो गया, मैंने इन्हें धक्का दिया, ये यहां से वहां चले गए, मैंने देखा बादल का टुकड़ा भी यहां से वहां चला गया। फिर मैं जरा कहता मैं वहां पे गया, मैंने वहां से धक्का दिया, इनको इधर भेजा, फिर बादल का टुकड़ा भी इधर चला आया। मेरे अजीजों अल्लाह ने पहले ही मंजिल में, अल्लाह ने पहले ही मकाम पर इनका तारुफ करवाया कि ये देखो ये वो है जिनके इशारों पे बादल चलता है। नहीं गौर किया आपने जुमले गौर वादे कर दो, मोहम्मद की शान ये है कि मोहम्मद जिधर जाएगा बादल उधर जाएगा। भाई बादल है सबसे छोटी मखलूक जो आसमान और जमीन के बीच में सफर करता है। तो हम जानशीन मोहम्मद की शान ये होगी कि बादल उसके उसके इशारे पे नहीं चलेगा, बल्कि आसमान की मखलूक आसमान का सितारा उनके इशारे पे गर्दिश करेगा। सलवात पर मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। कि मैं देख रहा था जिधर जिधर ये जा रहे थे बादल उधर जा रहा था। अब कहता है कि बीबी एक चीज है जो मुझे और परेशानी में डाले होगी। कहा वो क्या? कहने लगा कि बीबी एक जगह हम लोगों ने मंजिल में कायम किया और जल्दी जल्दी में हम लोगों ने वहां से पानी लेना भूल गए। जब काफी दूर चले गए और जब थक गए तो फिर ये इरादा बनाया कि अब यहां पे कायम किया जाए। कायम किया, शिद्दत की प्यास महसूस हुई। उसके बाद से जो है जब हमने मस्जिदों को देखा तो पूरा मस्जिदा खाली। अब वो रो रो के बयान कर रहा है कि बीबी ऐसी ऐसी बात थी और जब मैंने देखा ना कि मस्जिदा खाली है और इतनी शिद्दत की प्यास थी कि हम लोगों ने यह तय कर लिया था कि भाई देखो अभी सब जिंदा हो अभी से अपनी अपनी कब्रें खोद लो, इसलिए कि कब मर जाएगा कोई कुछ नहीं पता। एकदम हलक के नीचे उतर चुकी थी प्यास, गाली बाज हुई थी। तो ये था कि जैसे ही हम कब खोदना चाह रहे थे इतने में मुझे याद आया। क्या याद आया? कि आपने कहा था कि देखो ये अमीरे काफिला है, कोई भी काम करना इनसे पूछ करके करना, अपनी मर्जी से कोई काम ना करना, ये मोहम्मद जा रहे हैं तुम्हारे साथ, इनसे पूछ करके करना। तो मतलब आपकी बात मुझे याद आई तो मैं इनके खैमे में गया। जब मैं इनके खाने में गया ना बीबी तो मैंने देखा कि ये जो है बैठे हुए हैं और मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, हम लोग पानी लाना भूल गए और हो सकता है कि अब हम लोग की जान निकल जाए, हम लोग मर जाएं। मैं सरा कहता है जनाब खदीजा से शिकायत कर रहा है कि बीबी उस वक्त हमारी कैफियत इतनी खराब हो चुकी थी, इतनी हालत मेरी बुरी हो चुकी थी कि मैं इनसे रो रो के बयान कर रहा था और ये मुस्कुराते जा रहे थे। मैं रो रो कर इनसे बयान कर रहा था और ये हंसते जा रहे थे, ये मुस्कुरा रहे थे। ये एक मरतबा जब मैं बयान कर चुका ना तो ये अपने खैमे से बाहर आए और बाहर आने के बाद इन्होंने इशारा किया कि यहाँ पे गड्ढा खोदो। अभी भी हमने अभी थोड़ा ही सा गड्ढा खोदा था कि वहां से एक चश्मा फूट गया। हाँ उमा
सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहां से चश्मा जारी हो गया? कहां फिर कहा कि बीबी तक चश्मा जारी हो गया तो हम सब खूब सैराब होकर के खूब सैराब हो गए, खूब जितनी प्यास लगी थी हमने खूब पानी पिया और बीबी वहां का पानी इतना मीठा था, इतना शीरी पानी था कि हमने आज तक वैसा पानी पिया ही नहीं। अल्लाह से बात है, शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, प्यास से इंसान मर रहा था, उसको पानी मिल जाए। कहा कि हमने पानी भी पिया, वहां पे नहाए धोए भी, वहां पे सारे कपड़े भी धो लिए, अब फिर वहां से फ्रेश होके निकले। तो एक मरतबा अब मैसरा कहता है, बस आखिरी जुमला है, मैसरा कहता है कि बीबी इतना कुछ देखने के बाद मैं अब भी हैरान हूं कि ये है तो कौन है। हुसैन अपना खून दो, इस्लाम बच जाएगा। दुनिया कहती है कि हुसैन को क्या जरूरत थी करबला में गला कटाने की। हुसैन देख रहे थे शिव के खंजर एक है, एक खंजर के नीचे दो गला है, एक इस्लाम का गला है, दूसरा हुसैन का गला है। हुसैन अपना गला हटा लेते खंजर के नीचे से, लेकिन शिव का खंजर इस्लाम के गले में चल जाता और हुसैन इस्लाम को जिबा होते हुए नहीं देख सकते, इसलिए कि इस्लाम खदीजा की दौलत से परवान चढ़ा है। इस्लाम हुसैन की नानी ने पाल करके इस्लाम को हुसैन के हवाले किया था। अरबाब अंजाम मुसलसल मजलिसों में शरीक हो रहे हैं, पुरसे दे रहे हैं, खुदा आपके इस शिरकत को कबूल करे।